एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें, आइए आपको वहीं लिए चलते हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर पीडीएम जमातों को अवाम ने शानदार कामयाबी अता की है। आज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पीडीएम की जमातों पर एतमाद का इजहार करके इमरान न्याजी की झूठ और मकर की सियासत को मुस्तरद कर दिया है और मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारक देना चाहता हूँ, अवाम को मुबारक हो। इमरान न्याजी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की शिकस्त का नोटिस ले लिया है, गोया कि अब पीटीआई का फातिहा पढ़ ली जाए। पीटीआई का किस्सा तमाम हो गया है क्योंकि इमरान न्याजी साहब ने पीटीआई का नोटिस ले लिया है, तो अब इंशाल्लाह इनसे निजात बहुत करीब है। दूसरी बात मैं अहम करना चाहता हूँ कि मेरा दिल बहुत रंजीदा है। हम 2019 से मुतालबा कर रहे थे कि भारत ने जो कश्मीर को हड़प किया है, हुकूमत इस भारतीय इकदाम की मजम्मत के लिए इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस तलब करे, और अगर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस तलब करना उसके कद से बहुत बड़ा है तो कम से कम इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास तलब करें। लेकिन जब आज इस्लामी वज़राए खारजा का इजलास इस्लामाबाद में हुआ तो हमें खुशी है कि अफ़गानिस्तान के लिए इस्लामी ममालिक ने फ़ंड कायम करने की यकीन दहानी कराई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अवाम सर्दी के मौसम में खुराक के बहरान का शिकार हैं और उनकी इमदाद करना इंसानियत की इमदाद करना है। लेकिन जितना ज़रूरी अफ़गानिस्तान का मसला है उतना ही ज़रूरी पाकिस्तान की शहरग कश्मीर का मसला भी था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत इस्लामी वज़राए खारजा के इजलास से कश्मीर की हमायत में करारदाद मंजूर कराने में नाकाम हो गई है। ये एक बहुत बड़ा धचका है कि इस्लामाबाद में इस्लामी वज़राए खारजा का इजलास हो और उसमें कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के मजालिम की मजम्मत मंजूर ना कराई गई हो। बाज़ मुबसरीन तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने इस इजलास से पहले यकीन दहानी कराई थी कि वो इस इजलास में कश्मीर का मसला नहीं उठाएगी। मैं ये बात तस्लीम करना मुश्किल समझता हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये कश्मीर के साथ गद्दारी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हुकूमत इस बात का जवाब दे कि उसने इस्लामी वज़राए खारजा के इजलास में कश्मीर का मसला क्यों नहीं मौसर तौर पे पेश किया और इस इजलास से कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालम की मजम्मत क्यों नहीं करवा सकी। ये इस बात का सबूत है कि ये हुकूमत सफारतकारी में नाकाम हो चुकी है। ये हुकूमत इस लायक नहीं कि ये अपने मौकफ को आलमी सतह पे मनवा सके। ये वज़ीर आज़म सिर्फ तकरीरें कर सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि इमरान न्याजी नेटो कमांडर हैं, नो एक्शन टॉक ओनली। इनसे आप जितनी मर्जी तकरीरें करवा लें, जितनी मर्जी बातें करवा लें, लेकिन जहां अमल का मामला है, एक्शन का मामला है, सिफर बटा सिफर कारकर्दगी है। चूँकि इन्होंने सारी ज़िंदगी चंदा मांगा है, चंदा मांगने के ये स्पेशलिस्ट हैं, तो पाकिस्तान को भी आज इन्होंने चंदा मांगने पे लगा दिया है। और मेरा ये मुतालबा है कि अक्वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कि जो इंसानी हमदर्दी के प्रोग्राम हैं
उनके लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए इमरान नियाजी साहब को अपना खसूसी मुआवन मुकरर कर लें ताकि हमारी जान छूटे। हमें पाकिस्तान में हुक्मरान चाहिए, चंदा इकट्ठे करने वाला और तकरीरें करने वाला बंदा नहीं चाहिए। ये अगर अक्वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के आलमी चंदा इकट्ठा करने के मुआवन बन जाएंगे तो जो रेफ्यूजीज हैं और जो इंसानी हमदर्दी की कॉजेज हैं उसमें बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जिस शख्स ने 30 साल सिर्फ चंदा इकट्ठा किया है वो मुल्क नहीं चला सकता। और आज पाकिस्तान की इन्होंने मईशत की ईंट से ईंट बजा दी है, पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी है, पाकिस्तान की सफारत तबाह कर दी है, पाकिस्तान की सियासत को जहरीला करके तबाह कर दिया है और पाकिस्तान की मुआशरत गुरबत बेरोज़गारी और पुअर गवर्नेंस से तबाह बर्बाद कर दी है। आज हमारा मुआशरा बिखर रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब इस हकूमत को घर जाना चाहिए, इमरान नियाजी साहब को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने झूठे वादे किए थे, मेरे पास टीम नहीं थी, मेरे पास होमवर्क नहीं था, मेरे पास सलाहियत नहीं थी, मैंने सिर्फ वज़ीर आज़म बनना था, वज़ीर आज़म का टाइटल लेना था, उसके लिए आपके साथ धोखा किया और मैंने आपको ख्वाब बेचे, मैंने आपको झूठ बताया कि मेरे पास बेहतरीन टीम है। दरअसल इमरान नियाजी के पास सारे खोटे सिक्के थे और आज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने उन खोटे सिक्कों की हकीकत बता दी है, वो क्या है। मैं आखिर में एक शायर की ज़बानी कहूँगा कि सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, वो बेवकूफ़ बनाने में खूब माहिर है। वतन चलाना इस आदमी की बस की बात नहीं, वो तो सिर्फ इल्ज़ाम तराशियों में खूब माहिर है। बहुत शुक्रिया। सर साहब क्या कहेंगे कि जो केपी में इलेक्शन के जो नतीजे सामने आए हैं, पीटीआई के अपने वज़रा जो अरकान पार्लियामेंट भाई साहब ने लड़ पड़े हैं, समझते हैं कि अब पीटीआई में भी बगावत जो है। इस्लामाबाद में रहनुमा नून लीग एहसान इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और कड़ी तनकीद की उन्होंने हुकूमत पर।